हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में देखेंगे कैसे हम हॉलीवुड के इंग्लिश सबटाइटल से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम हॉलीवुड के इंग्लिश सबटाइटल को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और उन्हें मूवी के सीन से कनेक्ट करेंगे ताकि उन्हें हम अच्छे समझ पाएँ और अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ कर पाएँ। तो शुरू करते हैं फ्रेंड। जैसे कि आप देख रहे हो, पहला यहाँ पर ये दानव है जो कह रहा है आई कैन नॉट डाई, मैं नहीं मर सकता। क्यों नहीं मर सकता? नॉट अनटिल आई फुलफिल माई डेस्टिनी, मैं जब तक अपने भाग्य को पूरा ना कर लूँ मैं मर नहीं सकता। यानी कि आई कैन नॉट डाई नॉट अनटिल आई फुलफिल माई डेस्टिनी, मैं नहीं मर सकता जब तक मैं अपने भाग्य को पूरा ना कर लूँ। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, मैं कसम खाता हूँ मैं तो हिल भी नहीं रहा हूँ, ये तो खुद ब खुद हिल रहा है। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई स्वेयर, मैं कसम खाता हूँ, आई एम नॉट इवन मूविंग, मैं तो हिल भी नहीं रहा हूँ। इट इज़ जस्ट डूइंग दिस ऑन इट्स ऑन, ये तो खुद ब खुद हिल रहा है। इट इज़ जस्ट डूइंग दिस ऑन इट्स ऑन, ये तो खुद पर खुद ही हिल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, सभी के लिए माफ़ी मांगता हूँ जो मैंने किया, यानी कि जो भी मैंने किया उन सभी के लिए माफ़ी मांगता हूँ। सॉरी फॉर ऑल आई हैव डन, सॉरी फॉर ऑल आई हैव डन। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, मेरा बेटा थोर लौट आया है, माई सन थोर हैज़ रिटर्न, माई सन थोर हैज़ रिटर्न, मेरा बेटा थोर लौट आया है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, मैं कसम खा दूँ मैंने उसे यहीं पर छोड़ा था, आई स्वेयर आई लेफ्ट हिम राइट हेयर, यहीं पर राइट हेयर, आई स्वेयर आई लेफ्ट हिम राइट हेयर। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, तो उसे यहाँ क्यों लाए हो, देन वाई ब्रिंग हिम हेयर, ये पूछ रहा है कि अगर तुम्हारा भाई इतना डेंजर है तो उसे यहाँ क्यों लाए हो, पृथ्वी पे क्यों लाए हो, देन वाई ब्रिंग हिम हेयर, तो उसे यहाँ क्यों लाए हो। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, मुझे बस तुम्हारे बालों का एक टुकड़े की ज़रूरत है, यानी तुम्हारे बाल के एक टुकड़े की ज़रूरत है। आई नीड जस्ट वन स्ट्रैंड ऑफ योर हेयर, आई नीड जस्ट वन स्ट्रैंड ऑफ योर हेयर, मुझे बस तुम्हारे बालों को एक टुकड़े की ज़रूरत है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, हम सिर्फ चल भी सकते थे, वी कुड हैव जस्ट वॉक। इस सीन में क्या होता है कि ये सीढ़ी से उतरते हैं पर थोर जो है ये जो पर्सन है ये गिरता हो नीचे गिरता है, तो ये इससे पूछता है कि वी कुड हैव जस्ट वॉक, हम सिर्फ चल भी सकते थे। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, मैं 30 मिनट से गिर रहा हूँ, आई हैव बिन फॉलिंग फॉर 30 मिनट्स, आई हैव बिन फॉलिंग फॉर 30 मिनट, मैं 30 मिनट से गिर रहा हूँ, आई हैव बिन फॉलिंग फॉर 30 मिनट्स। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, यह तुम्हारा किया था, यानी कि जितनी भी गलती हुई है सब तुम्हारा किया था, जो भी हो रहा है दिस वॉज योर डूइंग, डूइंग मतलब किया, जो तुमने किया क्या क्या हुआ, ये सब तुम्हारा किया है, यह तुम्हारा किया था, दिस वॉज योर डूइंग। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, क्या कहा, बेग योर पार्डन, बेग योर पार्डन हम यूज़ करते हैं जब हम किसी ने कुछ कहा और हम सुन नहीं पाए, हम पूछते हैं क्षमा कीजिए या दोबारा कहिए या क्या कहा, तो यहाँ हम कह सकते हैं बेग योर पार्डन, यानी क्या कहा। नेक्स्ट देखते हैं, सो इफ़ यू वॉन्ट हिम यू गो थ्रू मी, तो अगर तुम इसे चाहते हो मुझसे होके जाना होगा, सो इफ़ यू वॉन्ट हिम यू गो थ्रू मी। नेक्स्ट देखते हैं, लेकिन हमें यह पहले ही मिल चुका है, बट वी हैव ऑलरेडी गोट हिम, बट वी हैव ऑलरेडी गोट हिम, लेकिन हमें यह पहले ही मिल चुका है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, तुम जो कोई भी हो, हु एवर यू आर, तुमने जो भी कुछ किया है सरेंडर कर दो, वट एवर यू हैव डन सरेंडर नाउ। एक दफ़े फिर देखो फ्रेंड, तुम जो कोई भी हो, हु एवर यू आर, तुमने जो भी कुछ किया हो सरेंडर कर दो, वट एवर यू हैव डन सरेंडर नाउ, और नहीं तो हम तुम्हें कोई दया नहीं दिखाएंगे, और वी विल शो यू नो मर्सी, और वी विल शो यू नो मर्सी, हम तुम्हें कोई दया नहीं दिखाएंगे। नहीं देखते हैं फ्रेंड, क्या मुझे कोई याद नहीं करता, डज नो वन रिमेंबर मी, डज नो वन रिमेंबर मी, क्या मुझे कोई याद नहीं करता। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, अपने अगले शब्द सोच समझ के चुनना, चूज़ योर नेक्स्ट वर्ड वाइजली, ये हम अपने डे टू डे लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं, जब कोई हमें ऐसी बात कहता है जो हमें अच्छी नहीं लगती है उनसे कह सकते हैं चूज़ योर नेक्स्ट वर्ड वाइजली, यानी अपने जो वर्ड हैं उन्हें बहुत सोच समझ के चुनो। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, मैं तुम्हारी बहन से नहीं लड़ना चाहता, यह तुम्हारा पारिवारिक मामला है, आई डोंट वांट टू फाइट योर सिस्टर, दैट्स योर फैमिली इशू। इस सीन में क्या कहता है थोड़ी से कि तुम्हें मेरी बहन से लड़ना होगा, जो कि इस मूवी की विलन है, तो इसके जवाब में कहता है आई डोंट वांट टू फाइट योर सिस्टर, दैट्स अ फैमिली मैटर, यानी दिस इज योर दैट इज़ योर फैमिली मैटर, ये तुम्हारा पारिवारिक मामला है, मुझे नहीं लड़ना तुम्हारी बहन से। नहीं देखते हैं, मैं बुरस हूँ, आई एम अ बुरस,
एंड मुझे ऐसा लगता है मैं तुम्हें जानती हूँ, तो इसके जवाब में लड़की कहती है आई फील लाइक आई नो यू, आई फील लाइक आई नो यू, मुझे ऐसा लगता है मैं तुम्हें जानती हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, इसके जवाब में बोलता है आई फील लाइक आई नो यू टू, मुझे भी ऐसा लगता है मैं तुम्हें जानती हूँ जानता हूँ, तो इसे बोलेंगे आई फील लाइक आई नो यू टू। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, क्या तुम बदला चाहते हो, यानी क्या तुम बदला लेना चाहते हो, डू यू वॉन्ट रिवेंज, डू यू वॉन्ट रिवेंज, क्या तुम बदला चाहते हो। इसके जवाब में यहाँ से, यहाँ फ्रेंड्स मैंने है या मैं लिखा हुआ है मैंने है, मैंने सोचा नहीं, यानी मैंने डिसाइड नहीं किया अभी, मैंने सोचा नहीं है, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हो आई एम अनडिसाइडेड, आई एम अनडिसाइडेड, मैंने सोचा नहीं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, उसे यह ग्रह मत छोड़ने देना, जो ग्रह है प्लेनेट है उसे छोड़ने मत देना, जाने मत देना, तो इंग्लिश में बोलेंगे डो नॉट लेट हिम लीव दिस प्लेनेट, डो नॉट लेट हिम लीव दिस प्लेनेट। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, ये कुछ सीन बॉलीवुड की मूवी से हैं जो कि काफ़ी उसूल हैं, इसलिए मैंने इसमें भी इंक्लूड किया है। काफ़ी अच्छी जान पहचान लगती है तुम्हारी अग्रवाल साहब के साथ, तो इस इंग्लिश में बोलेंगे सीम्स लाइक कि यू हैव अ क्वाइट गुड अक्वेंटेंस विद मिस्टर अग्रवाल, सीम्स लाइक यू हैव अ क्वाइट गुड अक्वेंटेंस विद मिस्टर अग्रवाल, काफ़ी अच्छी जान पहचान लगती है तुम्हारे अग्रवाल साहब के साथ। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा काम ही ऐसा है जान पहचान रखनी पड़ती है, आवर वर्क इज सच वी हैव टू कीप अक्वेंटेंसेस, आवर वर्क इज सच वी हैव टू कीप अक्वेंटेंस। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, ये उल्टी है, तो जब भी कोई चीज़ उल्टी होगा हम उसे इंग्लिश में बोलेंगे इट इज़ अपसाइड डाउन, इट इज़ अपसाइड डाउन, यह उल्टी है। ओके फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, हमारे वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।